नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने सोरेन परिवार पर साधा निशाना, कहा दोनों सीटों पर बहुत जल्द होंगे चुनाव। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एक बार फिर सोरेन परिवार पर निशाना साधते हुए ऐसा कुछ कहा जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से उपचुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। आप सबको बता दूं कि दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गोड्डा ने कहा कि बहुत जल्द दुमका और बरेठ में उपचुनाव होंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारियों में जुट जाना चाहिए ताकि राजतंत्र को उखाड़ फेंका जा सके। आप सबको बता दूं कि आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में दुमका के व्यवहार न्यायालय में पेशी के लिए दुमका आए सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा चुनाव आयोग का क्या निर्णय आता है यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, पर जिस तरह भाजपा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग गई है और जो कानून के जानकार हैं उनसे प्राप्त फीडबैक के आधार पर कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि दुमका और बरेठ में अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा का उपचुनाव हो सकता है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री से कहा राशि नहीं मिली तो बंद हो जाएगा एमडीए। वित्त वर्ष 2022-23 में मध्याह्न भोजन और समग्र शिक्षा अभियान के लिए केंद्र से 4 माह की राशि नहीं मिली है, इससे मध्याह्न भोजन संचालन में परेशानी हो रही है। अगर जल्द राशि नहीं दी गई तो मध्याह्न भोजन बंद हो जाएगा। यह बात राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से कही। गिरिडीह के बागदौर में कार्यक्रम के दौरान जगन्नाथ महतो ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री से बात की। आप सबको बता दूं कि राज्य को राशि नहीं मिलने के मामले को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने गंभीरता से लिया। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों से मामले में पूरी जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को फोन किया। उन्होंने जगन्नाथ महतो को बताया कि एक सप्ताह में राज्य को राशि उपलब्ध करा दी जाएगी, बजट की 75% राशि आप सबको उपलब्ध करा दी जाएगी। राज्य में सबसे कम वर्षा वाला जिला में अब गोड्डा दूसरे नंबर पर। जिला में खराब मानसून के कारण जिला सूखे की गंभीर चपेट में है। वहीं दूसरी ओर वर्षा के अभाव के कारण ग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे जाने से जल संकट की समस्या बनती जा रही है। ग्रामीण इलाकाओं में कुआं और चपानल का जल स्रोत भी लगातार गिर रहा है। यही हालात बना रहा तो आने वाले दिनों में गंभीर जल संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बड़े बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि सुखाड़ की ऐसी स्थिति पिछले दशक में नहीं बनी थी जो इस बार देखने को मिल रही है। सारी परिस्थिति मानसून की दगाबाजी के कारण उत्पन्न हुई। लोगों को अब कई स्तर पर समस्याओं से जूझना पड़ेगा। एक तरफ जहां सुखाड़ होने से अनाज का संकट है, वहीं दूसरी ओर वर्षा ना होने से आम लोगों के साथ पशुधन को पानी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। सावन का सूखा भादों में भी बना हुआ है। सूखा ही नहीं, गंभीर सूखा की स्थिति जिला में बनी हुई है। यही हाल पूरे संथाल परगना का दिख रहा है। इस बार जो है इस साल के मानसून सीजन में 1 जून से 17 अगस्त के वर्षपात को देखा जाए तो राज्य भर में सबसे कम वर्षा वाला जिला में गोड्डा दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि पाकुड़ पहले, साहिबगंज तीसरा, जामताड़ा चौथे नंबर पर है। मौसम केंद्र रांची के जारी आंकड़ों के मुताबिक गोड्डा का इस साल 1 जून से 17 अगस्त तक का सामान्य वर्षपात 591.7 मिलीमीटर है, जिसकी जगह मात्र 188 ही मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 68% कम है। पाकुड़ में इस अवधि में सामान्य से 72% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा साहिबगंज में भी सामान्य से 67 व जमताड़ा में सामान्य से 66% कम वर्षा इस अवधि में रिकॉर्ड की गई है, जबकि राज्य में इस मानसून में सामान्य से 36% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यह आंकड़ा यह बताने के लिए काफी है कि जिला में सुखाड़ के हालात कितने भयावह हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश, लोहार जाति ओबीसी श्रेणी की ही मानी जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि लोहार जाति ओबीसी श्रेणी की ही मानी जाएगी, प्रार्थी की दलील स्वीकार योग्य नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए 13 अगस्त 2019 में लोहार जाति को एसटी की सूची से बाहर करते हुए ओबीसी में शामिल करने को सही बताया। आप सबको बता दूं कि लोहार जाति को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई की।
अदालत ने सरकार और प्रार्थी की दलील सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। आप सबको बता दूं कि प्रार्थी ने बताया कि राज्य सरकार ने लोहार जाति को एसटी की सूची से अलग करते हुए ओबीसी में शामिल कर दिया है, जबकि पहले जो है लोहार जाति एसटी की सूची में थी। वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने बताया कि सरकार का निर्णय विधि सम्मत है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2022 में भी माना था लोहार और लोहरा एसटी कैटेगरी में होंगे। हिंदी में जो है लोहार लिखा होने के कारण उक्त जाति को एसटी कैटेगरी का दर्जा दिया गया था, जो सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दशरथ प्रसाद ने याचिका दायर की थी। उन्होंने लोहार जाति को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग की थी। झारखंड के 3 विधायकों को कोलकाता हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, लगाई कुछ शर्तें। लाखों रुपए के साथ पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार किए गए झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को कोलकाता हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने इन्हें 3 महीने की अंतरिम राहत दी है, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी जोड़ दी है। कोर्ट ने कहा है कि विधायकों को सप्ताह में एक बार थाना में हाजिरी लगानी होगी, उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा। इसके साथ ही केस की अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर 2022 को मुकर्रर कर दी है। चाईबासा कोर्ट ने नाबालिग लड़के की हत्या मामले में आरोपी को सुनाई फांसी की सजा, 1,00,000 रुपए का जुर्माना। चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की कोर्ट ने नाबालिग लड़के को मारपीट करने और फिर गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई, साथ ही 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। घटना 23 अप्रैल 2022 की है। आप सबको बता दूं कि 11 वर्षीय लक्ष्मण पूर्ति अपने 3 दोस्तों के साथ कारो नदी से स्नान कर घर लौट रहा था। उसी क्रम रास्ते में गुवा थाना क्षेत्र अंतर्गत नोया गांव के मुंडा टोले निवासी आरोपी सुपाय चंपिया का उन बच्चों से मुलाकात हो गई। अभियुक्त ने उन चारों बच्चों से नदी में मछली मारने के लिए लगाए गए बिजली के तार को निकालने को कहा, इस पर बच्चों ने जाने से इनकार कर दिया। इस पर अभियुक्त सुपाय ने लक्ष्मण पूर्ति को पकड़ा, वहीं अन्य 3 बच्चे वहां से भाग गए। नाराज अभियुक्त ने लक्ष्मण पूर्ति को मारपीट करते हुए गला दबाकर हत्या कर दिया था। इतना ही नहीं, अभियुक्त ने मारपीट का मोबाइल से वीडियो भी बनाया था। उक्त वीडियो को नदी जाकर स्नान कर रहे अन्य मुंगा चंपिया को दिखाते हुए कहा कि अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसे इसी तरह का सजा दिया जाएगा। अभियुक्त द्वारा मछली मारने के लिए नदी में बिजली का तार लगाया गया था। हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पर लगाई रोक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन एवं उनके सहयोगियों से जुड़ी सेल कंपनियों में निवेश से जुड़े मामले की झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर बुधवार को रोक लगा दी। आप सबको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद जो है सोरेन ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। झारखंड हाईकोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी। सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया था। सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर अभी जो है रोक लगा दी है। धनबाद स्थित SURL सिंदरी से जल्द शुरू होगा यूरिया का उत्पादन, 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की सिंदरी तथा बोरोनी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार जल्द ही हर्ल के सिंदरी और बरौनी संयंत्रों से यूरिया का उत्पादन शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये 2 संयंत्र यूरिया के स्वदेशी उत्पादन में 25,00,000 टन से अधिक का योगदान देंगे। आयातित यूरिया की मात्रा कम करने में मदद मिलेगी। श्री मांडविया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन संयंत्रों से स्वदेशी यूरिया का उत्पादन आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के केंद्रित प्रयासों से भारत यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। BAU के कॉलेजों में अब 6 माह के अनुबंध पर रखे जाएंगे एसोसिएट डीन, जानिए कितना होगा इनका वेतन। बृषा कृषि विश्वविद्यालय यानी कि BAU के अंतर्गत 5 कॉलेजों में अब अनुबंध पर एसोसिएट डीन की नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति 6 माह के लिए होगी। संतोषप्रद कार्य होने पर विश्वविद्यालय के अनुसार अनुबंध विस्तार किया जाएगा। नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इंटरव्यू 3 सितंबर 2022 को विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित बोर्ड रूम में होगा। ICAR के नियमानुसार
एक्रीडिएशन के लिए सभी कॉलेजों में डीन की नियुक्ति होनी जरूरी है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक फूलो झानो मुर्मू कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर कॉलेज खुटपानी, रविंद्रनाथ टाइगर एग्रीकल्चर कॉलेज देवघर, तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा और एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा में एसोसिएट डीन के एक एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। एसोसिएट डीन का वेतनमान 37,400 से लेकर 67,000 तक रहेगा। इस पद पर सेवानिवृत्त शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता के अलावा शोध के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान, 10 पब्लिकेशन का प्रकाशन, 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव, नए इनोवेशन में योगदान अनिवार्य है। इसके अलावा नियमानुसार EPI मिला हो। झारखंड में 6 माह में भरे जाएंगे 37,000 पद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में झंडो उत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायक समेत अन्य के 37,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाकर 6 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त 2716 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भी JPSC को भेज दी गई है। CM ने सुखाड़ पर भी कहा कि केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग की गई है। इस दौरान CM ने जहां सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया, वहीं अपनी प्राथमिकता भी बताई। CM ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को जल्द ही लागू करने की बात कही है। झारखंड में 15 नवंबर से शुरू होगी CM सारथी योजना। CM ने कहा कि राज्य में 15 नवंबर से CM सारथी योजना शुरू होगी, जिसके तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ साथ युवाओं को प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन में बच्चों के समक्ष आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए शीघ्र गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आ रहे हैं। दुमका से कोलकाता, रांची और पटना के लिए हवाई सेवा जल्द शुरू। स्वतंत्रता दिवस पर उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल रमेश बैस ने झंडो उत्तोलन किया तथा परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों से अवगत भी कराया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा विगत माह देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, वहां से कोलकाता एवं दिल्ली के लिए नियमित उड़ान संचालित हो रही है। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी कि उड़ान के तहत दुमका से कोलकाता, पटना तथा रांची के लिए सीधी उड़ान सेवा हेतु रूट भी स्वीकृत किया गया है। इसके लिए दुमका हवाई अड्डा के यूनियन का कार्य भी पूरा किया जा चुका है तथा आवश्यक लाइसेंस प्राप्त होने के उपरांत दुमका, रांची, कोलकाता तथा पटना से वायु मार्ग द्वारा जुड़ जाएगा। इससे संताल परगना में विकास की गति और भी तेज होगी। झारखंड के पूर्व डिप्टी CM और MLA सुदेश महतो ने आचार्य केंद्र का किया उद्घाटन, कहा खेल से नाम करें रोशन। शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रतियोगिता का माहौल बना हुआ है। सभी स्कूल कॉलेज शिक्षा के विकास में सुधार लाने की कोशिश में है, लेकिन गुणवत्ता के साथ साथ बौद्धिक शिक्षा भी अनिवार्य है। अचारी में बेहतर कर नाम रोशन करें, ये बातें झारखंड के पूर्व डिप्टी CM सह विधायक सुदेश महतो ने कही। वह सिम्बायोसिस पब्लिक स्कूल में आचार्य केंद्र के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार MBA, इंजीनियरिंग, MBBS एवं अन्य सभी उच्च शिक्षा की डिग्रियां हिंदी में देने का निर्णय लिया है, जो सराहनीय कदम है। सिल्ली के विधायक सुदेश महतो ने यह भी कहा कि शिक्षा के साथ खेल भी आवश्यक है। खेल के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बुंडू में आचार्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है। हमारे स्थानीय छात्र छात्राएं खेल के क्षेत्र में भी बढ़कर देश और राज्य में नाम रोशन करेंगे और रोजगार हासिल करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश आचार्य संघ के उपाध्यक्ष सुदेश महतो की पत्नी नेहा महतो ने कहा कि आचार्य महंगा खेल है, इस कारण स्थानीय गरीब छात्र इस खेल में शामिल नहीं होते हैं। गरीब परिवार के होनहार छात्रों को सहयोग कर आचार्य केंद्र के माध्यम से खेलने का अवसर दिया जाएगा। देवघर एयरपोर्ट पर विमानों की जल्द होगी नाइट लैंडिंग, वंदना डाडेल ने कार्यों की समीक्षा की। उद्योग एवं नागर विमान विभाग की समीक्षा के लिए प्रधान सचिव वंदना डाडेल देवघर पहुंची। देवघर एयरपोर्ट पर उन्होंने विमानों के नाइट लैंडिंग को लेकर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जितनी जल्द हो सके देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा बहाल करें, ताकि यात्रियों का फ्लो बढ़े, रात हो या दिन विमानों को सुगमता से परिचालन हो। दोस्तों,
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।